अच्छा, सेल्समैन तो आपने अपने जीवन में बहुत से देखे होंगे, कुछ बड़े मॉल वाले, कुछ छोटे दुकान वाले, कुछ ट्रेनों में बेचने वाले, कुछ फुटपाथ पे बेचने वाले। तो अगर आप किसी बड़े मॉल में कुछ चीज खरीदने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, सपोज करो कि एक छाता खरीदने गए हो, तो उधर उस छाते का डिस्क्रिप्शन आप देखो ऐसा रहेगा कि दिस इज वन एंड ओनली अम्ब्रेला विच इज कम्स विद अ प्रीमियम डिजाइन क्वालिटी मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम दुबई। वही कोई लोकल स्टोर पे जाए तो उधर उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये रहेगा कि साहब ऐसा छाता दिखाऊंगा है, पैराशूट का काम करेगा, 10वीं मंजिल से लेके कूदोगे 9वीं मंजिल तक कुछ नहीं होगी, मेरी गारंटी। अच्छा, तो 9वीं के बाद, 9वीं के बाद कुछ नहीं, 9वीं के बाद सीधे 13वीं। भैया एक काम करो, दूसरा छाता दिखाओ। अच्छा, तो दूसरा छाता, तो ये जो दूसरा छाता है ना, ये है आस्की 3 वाला छाता। क्या है ना कि आस्की 1 आई, आस्की 2 आई, दोनों में वही जैकेट वाली सीन, बारिश का मौसम। अभी क्या है ना कि वो बारिश के मौसम में वो जैकेट जो गीली हो जाती, रिसती है पानी उसमें से, टिप 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 गिरती है। और क्या है ना कि उसमें आर्टिस्टों को बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने एक ऐसा छाता बनवाया है जो छाते के साथ साथ तो उसमें पर्दे लगे हैं, अंदर कुछ भी हो बाहर घंटा किसी को पता चलेगा। अच्छा, अब ये शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद, अब जब आप भूख लगे, होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, तो वहां जो रेस्टोरेंट में जो वेटर आता है ना आपके सामने, बड़ी प्यारी से स्माइल लेकर के, बड़ी तहजीब में आपसे आके पूछता कि सर मैडम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वी हैव अ स्पेशल शाही पनीर, कोरमा, कोफ्ता, मुगलाई चिकन, रसमलाई, गुलाब जामुन, जिलेबी, 200 वैरायटी इन पिज्जा एंड 100 वैरायटी इन बर्गर। अच्छा, ये जो आप जो चेहरा देख रहे हो ना, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो, जो तहजीब देख रहे हो आप, ये है आपके सामने, आपके पीछे ये कुछ और ही है। जब आपसे ये ऑर्डर लेकर के जाए तो आपके पीछे, ए टेबल नंबर 5 पे वो मोटे की सुमो फैमिली आई है, साले 4 साल से भूखे लग रहे, 4 प्लेट कोरमा, 4 प्लेट शाही पनीर, 4 प्लेट रसमलाई और 4 प्लेट गुलाब जामुन कर। अच्छा, अब सेल्स, अब मैंने ये देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है मैंने जीवन में, कि आप सेल्समैन के भरोसे कभी कोई सामान लेने जाओ ना, तो बेड़ा गर्क होना तो निश्चित है, वो आपके जीवन का सबसे गंदा डिसीजन। सब तो आप सपोज करो कि वो गए हो गारमेंट की दुकान पे कि सर एक बहुत बढ़िया पीस दिखाओ, मास्टर पीस दिखाओ, जो मुझ पर एकदम सूट खाए, परफेक्ट लगे। अपने दुकान का वो सबसे घटिया, सबसे पुराना कपड़ा लिया, ये कहते हुए कि दिस इज इंपोर्टेड माल, इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन। अजी लंदन, अबे बगल वाले चौक के पीछे वाले फैक्ट्री से बन के आइए लंदन। अच्छा, और वही पीस ये कह के बेचेगा वो कि बाहर जो है ना मिलती है 5,000 रुपए की, मैं आपको दूंगा केवल इसे 4,999 रुपये। इतना बड़ा डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट, नहीं भाई ये रहने दे, ये डिस्काउंट भी मत कर तू, साले असल में वो 400 रुपए की है। अच्छा, अब उसके पास वो पीस अगर आखिरी है, अगर आपको बड़ा हो रहा हो, छोटा हो रहा, तभी भी वो एकदम परफेक्ट लग रही है, ऋतिक रोशन लग रही है, ऋतिक रोशन। ये मैंने देखा है ना, ये जो परफेक्ट परफेक्ट बोल के ना, मीडियम वाले को लार्ज पहना देते और लार्ज वाले को मीडियम, साले की बॉडी अकड़ गई है, खेत में जो पुतला टंगा रहता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे हो गया, और फिर भी परफेक्ट। परसों जब मैं घर आ रहा था, रास्ते मिलते एक जूते की दुकान, उस जूते की दुकान पे मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने वहां देखा कि एक महिला को एक सेल्समैन उसके बच्चे के लिए 5 नंबर के जूते के जगह पे 8 नंबर का जूता चिपका रहा है, ये कहते हुए कि मैडम ले जाओ, बच्चों की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बड़े हो जाते हैं। अबे बच्चे नुन्नू थोड़ी, कभी भी बड़े हो जाते हैं। मॉल के बाहर
मॉल के बाहर, दुकान के बाहर वो जो होर्डिंग लगे होते हैं ना, छोटे बड़े छोटे बड़े, हॉट से मॉडल जो उसमें लड़के लड़की बड़ा एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अपने कपड़े वपड़े और भी बहुत सारी चीजों के पर, तो वैसे ही मैं जब अंडरगारमेंट के शॉप के सामने से गुजर रहा था तो बिकनी में एक मॉडल बीच पे ऐसे हैट लगा के ऐसे, मैंने जब देखा तो लगा कि मानो वो मुझे ही देख रही हो। मैं ऐसे, मेरी नजर फिर उधर, उसकी नजर फिर उधर, मैं ऐसे फिर भी मुझे देख रही, मैं ऐसे फिर भी मुझे देख रही। मैं तसल्ली दे रहा था दिल को, भले तसल्ली ये झूठी है पर तसल्ली पूरी मिल रही थी। अका चल कम से कम कोई तो देख रहा है। अब जब किसी मॉल वॉल गारमेंट अंडर गारमेंट की दुकान या फिर कोई गारमेंट के शॉप के सामने से जब आप गुजरो तो मॉल बाहर लगे रहते हैं ना मैनिक्विंस, कपड़े पहने हुए, कपड़े टंगे जो रहते हैं जैसे मैंने पुतले, अभी वो पुतले आप देखोगे वो आपसे कुछ कह रहे होते हैं, ले ले। मैं कहा नहीं, अरे ले ले। अरे ले ले। मैं कहा बजट नहीं है, खाली है पूरी, नीचे देख नीचे। अबे वहां का दिख रहा हरामी लौटे, और नीचे देख 25% डिस्काउंट। मैं कहा 25% डिस्काउंट, फिर भी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा चल 30% डिस्काउंट दे दे, देख ले ले, देख कल रहूं या ना रहूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा अब बारी आती है ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज इतना चढ़ गया ना कि मेरे घर के बगल में जो आंटी है ना, वो स्क्रॉल करते करते उनकी नजर ना गाउन पे गई, प्रोडक्ट पेज पे मॉडल ऐसे गाउन पकड़े ऐसे, वो देख आंटी का भी मन डोल गया। उन्होंने भी सोचा कि मैं भी खरीद दूंगी। ऑर्डर किया, ऑर्डर जब आया, आने तक तो वो गाउन थी, जब आंटी ने उसे पहना तो गाउन के जगह पे मिक्सी लग रही थी। तो होता ना अक्सर, वो मॉडल को देख करके अक्सर लोग कपड़े मंगा लेते हैं, पर वही होता है फिर, रहती गाउन है दिखती मैक्सी है। अच्छा अब ये 5 से 8 साल के बच्चे साले इतने हरामी होते हैं, कुछ पूछो मत। मेरे भी घर में एक, मेरा छोटा कजन, उसको लेकर के जब मैं गया पिछले महीने मॉल, तो जब मैं गया वहां तो गलती से हम गारमेंट के सेक्शन में चले गए, वैसे लेना नहीं था पर चले गए, तो वहां पे उसने एक मैडम की, अच्छा उसको पहले किसी ने ये बता रखा था कि चड्डी नाम की भी कोई चीज होती है अंदर पहनते हम, ये किसी ने उसे बता रखा था। अब उसने किसी मैडम की स्कर्ट उठा दी और फिर चिल्लाने लगा, रेड चड्डी रेड चड्डी रेड चड्डी रेड चड्डी। सारे अपने काम धाम छोड़ करके उसे देखने लगे, मुझे बड़ा एंबैरसमेंट होने लगा। मैं कहा मैं नहीं जानता हूं उसे, कौन है बे तू, चल तेरे मम्मी पापा से तुझे मिला। यहां तक तो सब ठीक थी जब तक कि उसने ये नहीं कहा कि चलो अभी भैया घर चलते हैं। उसके बाद सबने फुर्सत से मेरी कुटाई करी, कहा शॉपिंग तो बाद में होते रहेगी, कुटाई कभी कभी मिलती है।